राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विवेक देसी फिटनेस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग हम बनाने वाले हैं वो है चेस्ट वर्कआउट के लिए। मात्र 3 एक्सरसाइज की सहायता से आप अपने चेस्ट को घर पर किस प्रकार अच्छी प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं, आज ब्लॉग में यही बताया जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं ब्लॉग में आगे की तरफ और देखते हैं कि वो 3 एक्सरसाइज कौन से हैं। चेस्ट वर्कआउट में हम अपने लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट को ट्रेन करेंगे। वर्कआउट को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, वर्कआउट करने से पहले हमेशा वार्म अप या स्ट्रेचिंग जरूर करें, वरना आपके बॉडी में इंजरीज होने का खतरा रहता है। तो आइए चलते हैं अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं पहला एक्सरसाइज कौन सा है। पहले एक्सरसाइज में हम अपने अपर चेस्ट को एक ब्रिक्स की सहायता से ट्रेन करेंगे। आइए देखते हैं, ईट को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है मिडल में और इस प्रकार से आपको करना है। इसका आप 3 के सेट में 20-20 का रेपिटेशन मार सकते हैं। इससे आपके चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा जरूर पड़ेगा और आपका अपर चेस्ट ट्रेन। एक्सरसाइज में हम अपने मिडिल चेस्ट को ट्रेन करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एक्सरसाइज। तो दूसरे एक्सरसाइज में हमें डायमंड पुशअप लगाना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। इस पुशअप से आपके चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा जरूर पड़ेगा। इसका भी आप 3 के सेट में 20-20 का रेपिटेशन मार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायमंड पुशअप की वजह से मेरा जो मिडिल चेस्ट है वो ट्रेंड हो चुका है। आइए चलते अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं तीसरा एक्सरसाइज हमारा क्या है। तीसरे एक्सरसाइज में हम अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन करेंगे। लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए 2 डंबल्स की आवश्यकता होगी। डंबल्स को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और एक्सरसाइज को कुछ इस प्रकार से करना है हमें। इससे आपके लोअर चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा जरूर पड़ेगा। इसका भी आप 3 के सेट में 20-20 का रेपिटेशन मार सकते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट ट्रेंड हो चुका है और मेरे चेस्ट में अच्छा खासा पंप भी आ चुका है। तो आप भी इन 3 एक्सरसाइज को अपने डेली के वर्कआउट में शामिल कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में इसी जोश के साथ। जय हिंद।